नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। तो चलिए अब आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा की, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ मौजूद है। लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। Pero
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसाना लाइव जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए लगातार देखा जा सकता है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, किस तरह का उत्साह देखा जा सकता है अभी? लंच ब्रेक के बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है और करीब 9 किलोमीटर का सफर 6:30 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा तय करेगी। लगातार राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम नेता, अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो साथ चल रहे हैं। अरनेठा से यात्रा शुरू हुई है और बाजड़ली में यात्रा का रात्रि विश्राम होगा, उससे पहले कापरेन में राहुल गांधी पहुंचेंगे 6:30 बजे, करीब 9 किलोमीटर का सफर तय कर और उसके बाद गाड़ी से वहां पर पहुंचेंगे। एक बार दिखाना चाहेंगे हम आपको राहुल गांधी लगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश कसाना लाइव जुड़ चुके हैं। जो दिनेश, देखिए लगातार बड़े ही उत्साह के साथ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, किस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती है अभी वहां पर?
बाद अरनेठा से यात्रा प्रारंभ हुई है और बाजड़ली यात्रा का रात्रि विश्राम रहेगा। करीब 17 किलोमीटर का सफर है, लेकिन राहुल गांधी 6:30 बजे तक 9 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और उसके बाद वहां से गाड़ी के जरिए वो रात्रि विश्राम का जो कैंप है भारत जोड़ो यात्रा का वहां पहुंचेंगे। फिलहाल अरनेठा से जो यात्रा शुरू हुई है उसका सफर जारी है। पूरे जो रूट है, रूट का नजारा आप देख सकते हैं यहाँ से, लगातार जो पूरे रूट में स्थानीय लोग हैं उनका जमावड़ा यहाँ पर यात्रा के स्वागत के लिए है। और इसके अलावा पूरे रूट में पोस्टर बैनर होर्डिंग लगाए गए कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उनकी ओर से। और देखिए एक बार राहुल गांधी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं और मिलने के लिए पहुंचे हैं उनसे रुककर मुलाकात भी यहाँ पर करते हैं। कुछ देर पहले एक करीब 9 साल की बच्ची थी वो सड़क के किनारे महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर खड़ी हुई थी। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नजर पड़ी तुरंत इशारा किया और राहुल गांधी के पास बालिका को बुलाया और उनसे मुलाकात की। इससे पहले लंच ब्रेक के दौरान कैंप में ही राहुल गांधी ने कोटा के जो कोचिंग स्टूडेंट्स थे उनसे संवाद किया है। 2 दिन पहले जब कोटा से यात्रा गुजरी थी तो उस समय भी राहुल गांधी ने वहां पर तमाम छात्रों का अभिवादन किया था और देश का फ्यूचर उन्हें बताया और आज उन छात्रों से यहां पर संवाद राहुल गांधी ने किया है। लंच ब्रेक के दौरान स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है और जो भारत यात्री हैं उनसे भी राहुल गांधी ने लंच ब्रेक के दौरान मुलाकात की और फिलहाल यात्रा का सफर जारी है। कल का विश्राम था और विश्राम के बाद आज सुबह करीब 8 बजे राहुल गांधी रणथंभौर से यहां पर पहुंचे केशवरायपाटन और केशवरायपाटन 8 बजे करीब यात्रा यहां से प्रारंभ हुई और उसके बाद 12 बजे तक करीब 13 किलोमीटर का सफर तय कर अरनेठा यात्रा पहुंची थी और अब दोपहर को लंच ब्रेक के बाद फिर यात्रा शुरू हुई है। तो लगातार जो रिस्पांस है यात्रा का वो बढ़ता जा रहा है। आज भी अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में, जोधपुर से भी करीब 50 बसों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। जिस तरह के डायरेक्शन पिछले दिनों किसी वेणुगोपाल ने तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को दिए थे कि ये तिरंगा यात्रा है और इसमें केवल कांग्रेस तिरंगा झंडा लेकर ही चले, लेकिन आज भी देखिए बड़ी संख्या में एनएसयूआई के जो फ्लैग हैं वो इस यात्रा के दौरान देखे जा रहे हैं और एनएसयूआई के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जोधपुर सहित तमाम जिलों से आज पहुंचे हैं। दौसा का नंबर था, दौसा के भी कार्यकर्ता यहां पर यात्रा में शामिल हुए हैं। तो अलग अलग जिलों के जो लोग हैं यहां पर यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल राहुल गांधी के साथ पर जो कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट हैं, हेमराम चौधरी हैं, पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, अधीर रंजन चौधरी हैं, विधायक हैं कई, दानिश अब्रार, रमेश मीणा हैं पंचायती राज मंत्री, वो भी साथ चल रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, राजस्थान के नेता हैं, स्थानीय राकेश भोयत हैं जिन्होंने जगह जगह होर्डिंग यहां पर लगाए हैं भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत। स्थानीय जो लोग पहुंचे हुए हैं वो राहुल गांधी के साथ लगातार कदम ताल कर रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात कि जो आज का दिन तय किया गया था, रिजर्व किया गया था महिलाओं के लिए यात्रा में साथ चलने के, लेकिन उसको चेंज किया गया है और अब 12 दिसंबर को यानी परसों भारत जोड़ो यात्रा को महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है और उस दिन के साथ महिलाएं डी ब्लॉक में महिलाएं चलेंगी। और इस यात्रा में माना जा रहा है कि चूंकि रणथंभौर यहाँ पर कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस महासचिव हैं दोनों यही पन में कभी शामिल हो सकती है। राजस्थान से भी एक बार दिखाना चाहूंगा आपको अलग जो कि उनके कटआउट प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके भी कटआउट लगाए गए हैं। पीछे भी जगह जगह स्वागत द्वार जो स्थानीय नेता हैं उनकी ओर लगाए। देखिए आबादी क्षेत्र कम है लेकिन नजारा आप देख पा रहे होंगे, पीछे राहुल गांधी के साथ जिस तरह से एक हुजूम चल रहा है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह का एक रिस्पॉन्स यात्रा को मिल रहा है और इस यात्रा के जरिए जो संदेश राहुल गांधी देना चाहते हैं प्यार मोहब्बत भाईचारे का। और देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था, 2 दिन से जो चर्चा हो रही थी जिस तरह के चुनाव परिणाम आए और गुजरात में जिस तरह की उसके बाद से इस यात्रा को लेकर कई बातें हो रही थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, मीडिया के चेयरपर्सन हैं
जयराम रमेश उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये क्लियर किया कि ये यात्रा चुनाव के लिए नहीं है। हालांकि पहले भी इस बात को कहते रहे लेकिन कई तरह के सवाल चुनाव परिणाम के बाद उठ रहे थे कि राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश ये भी कहते हैं कि ये कोई बाबाओं का टोला नहीं है, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक उद्देश्य भी होता है। लेकिन उन्होंने क्लियर किया है कि ये यात्रा भारत जोड़ो जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है, इस यात्रा का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को मजबूत करना है और जो डर और नफरत का माहौल देश में है उसे खत्म करना है। इस उद्देश्य के साथ ये यात्रा निकल रही है और इस यात्रा का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चुनाव परिणाम भले ही चुनाव कांग्रेस पार्टी गुजरात में हारी हो, हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इसका असर कोई इस यात्रा पर नहीं है, तो ये क्लियर किया है। और उसके बाद का भी जो देखिए नजारा आप देख पा रहे होंगे यात्रा में, जिस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है, घनी आबादी क्षेत्र भी नहीं है बूंदी का जिस जगह से यात्रा गुजर रही है, लेकिन बावजूद उसके हजारों की संख्या में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कदम ताल यहां पर कर रहे हैं। जगह जगह जहां आबादी क्षेत्र है वहां पर स्थानीय लोगों की ओर से स्वागत भी किया जाता है राजस्थानी परंपरा के अनुसार। आगे बैंड वादन है वो यात्रा के आगे यहां पर चल रहा है और गाड़ियों का काफिला है, लोगों की लंबी लाइनें करीब 5 किलोमीटर तक आगे भी चल रहे हैं और पीछे भी राहुल गांधी के जो लोगों का हुजूम है, फ्लैग है कांग्रेस पार्टी के, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चाहे NSUI का हो, यूथ कांग्रेस के हो, तमाम संगठनों के फ्लैग भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक अलग ही रिस्पॉन्स कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो यात्रा को लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। आज दिनेश देखिए छठा दिन है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का, तो बात करें राजस्थान की जनता की, तो राजस्थान की जनता की तरफ से किस तरह का सहयोग या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए छठा दिन है लेकिन जो उत्साह और जोश की बात की जा रही है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग जिलों से जैसे यात्रा गुजरी है, झालावाड़ में प्रवेश किया मध्य प्रदेश से और उसके बाद कोटा में प्रवेश किया, झालावाड़ में भी एक बड़ा हुजूम कांग्रेस की इस यात्रा को देखने को मिला और उसके बाद जैसे ही कोटा में प्रवेश किया, कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स की भारी तादाद में स्टूडेंट्स वहां पर राहुल गांधी का अभिवादन करने के लिए पहुंचे, यात्रा राहुल गांधी उनसे रूबरू भी हुए, उनसे बात भी की और उसके बाद बूंदी में फिलहाल यात्रा है तो बूंदी में भी जो रिस्पॉन्स है इस यात्रा का वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये था कि जब जिस तरह के चुनाव परिणाम गुजरात में आए हैं, परिणामों का क्या कोई असर इस यात्रा पर देखने को मिलेगा, तो ये कांग्रेस पार्टी कल जयराम में क्लियर किया और यहां पर भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इस यात्रा पर चुनाव परिणाम का कोई असर नहीं है। गुजरात में हारे हैं, हिमाचल में सरकार बना रहे हैं, उपचुनाव राजस्थान में जीते हैं, छत्तीसगढ़ में जीते हैं, तो चुनाव की हार जीत होती रहती है लेकिन यात्रा पर उस चुनाव का परिणाम का कोई असर नहीं है। तो ये रिस्पॉन्स ही बताता है कि किस तरह का एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस समय जोश इस यात्रा के जरिए देखा जा रहा है। अलग अलग जिलों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यात्रा में पहुंचते हैं, शामिल होते हैं। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस की ओर से अलग अलग जिलों को ये जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग दिन यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। आज भी जोधपुर से करीब 50 बसों से कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, उसमें NSUI के भी हैं, यूथ कांग्रेस के भी हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है और मेन कांग्रेस के भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हैं। तो ये जो हुजूम है जो सूनी सड़कों पर यहां पर राजस्थान में बूंदी जिलों में और केसरायपाटन में खासतौर से देखा जा रहा है वो संकेत है कि इस यात्रा के जरिए एक माहौल कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है। और चूंकि साल भर बाद विधानसभा के चुनाव है तो ये चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नया जोश भरने का काम ये यात्रा के जरिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सुबह भी शामिल हुए, दोपहर लंच बाद जब यात्रा शुरू हुई तो उस समय भी मुख्यमंत्री करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चले और कुछ देर पहले वो अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए हैं। आगे जहां राहुल गांधी का टी ब्रेक होगा वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर इस यात्रा वहां पर व्यवस्थाएं देखेंगे और उस यात्रा को वहां पर टी ब्रेक के दौरान मुख्यमंत्री फिर ज्वाइन करेंगे, कुछ देर फिर चलेंगे। तो इस तरह से सुबह जब यात्रा शुरू होती है तब भी मुख्यमंत्री इसको ज्वाइन करते हैं, करीब 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर वो साथ चलते हैं, दोपहर को जब लंच बाद शुरू होती है तब भी ज्वाइन करते हैं और टी ब्रेक के बाद भी सीएम यहां पर
इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा और जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। जी दिनेश, देखिए आपने कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं से बातचीत की, मंत्रियों से बातचीत की, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जन आक्रोश यात्रा या फिर कहें रैली निकाली जा रही है, उसका भारत जोड़ो यात्रा पे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, दोनों राजनीतिक दल हैं और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा एक देशव्यापी रैली है, एक ऐतिहासिक है, जो सबसे बड़ी रैली, जो कि 3500 किलोमीटर 150 दिन में यात्रा सफर तय करेगी 150 दिन में, तो एक ऐतिहासिक रैली कांग्रेस पार्टी की ओर से इसे बताई जा रही है। और बीजेपी यहां पर राजस्थान में विपक्ष में है और सत्ता प्राप्ति के लिए जन आक्रोश रैली कांग्रेस को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए निकाली जा रही है। और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये यात्रा नॉन पॉलिटिकल है, इस यात्रा में और जो दूसरे दल हैं उनके नेता भी शामिल हो रहे हैं, कई जो स्थानीय संगठन है, एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में यात्रा निकाल रही है वो सरकार के खिलाफ यात्रा है, तो इस तरह से दोनों यात्राओं का उद्देश्य अलग है। देखिए दिनेश, गुजरात में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस अपना कमाल नहीं दिखा पाई, तो क्या लगता है कि आगामी जो राजस्थान में चुनाव होने हैं उसके अंदर क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी पूरी ताकत झोंक देगी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए? देखिए, सवाल यही उठ रहा है 2 दिन से, जब चुनाव परिणाम आए गुजरात के, हिमाचल के, और की बातें हो रही थी, सवाल की एक तरफ भारत जोड़ो निराशा इस यात्रा का प्रभाव कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने आज भी की है, और उन्होंने स्वीकार की है कि संगठन में कहीं ना कहीं कमी रही है और उस कमी के चलते इतने निराशाजनक परिणाम, चुनाव परिणाम यहाँ पर गुजरात में देखने को मिले। देखिए, एक कस्बा है जो जहाँ से यात्रा गुजर रही है, तो इस तरह से स्थानीय जो लोग हैं, महिलाएं आपको तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यात्रा के स्वागत के लिए कांग्रेस पार्टी के जो झंडी है, बैनर है, वो यहाँ पर लेकर खड़ी हुई है यात्रा के स्वागत के लिए। तो इस तरह से जो यात्रा अलग अलग क्षेत्रों से जब गुजरती है, स्थानीय लोगों का हुजूम यात्रा के स्वागत के लिए आता है। राहुल गांधी भी यहाँ पर लोगों से मुलाकात करते हैं, छोटे बच्चों से भी मिलते हैं, बुजुर्गों से भी मिलते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों से जैसे यात्रा गुजर रही है, तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, मदन प्रजापत है, विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो बालोतरा को जिला बनाने की मांग पर लंबे समय से नंगे पांव चलने का प्रण किया है और इस भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने ज्वाइन किया है। पिछले दिनों हमने उनसे बात भी की तो उन्होंने कहा कि यात्रा मैं छोड़ नहीं सकता और प्रण तोड़ नहीं सकता, बालोतरा को जिला बनाने की मांग उन्होंने रखी है और उन्हें उम्मीद है कि इस बजट सत्र में इसकी घोषणा होगी। तो वो भी लगातार यहाँ पर नंगे पांव, देखिए यात्रा में तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन मदन प्रजापत एकमात्र नेता राजस्थान से विधायक है जो इस यात्रा में नंगे पांव चलते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। जब चौंगली बॉर्डर से यात्रा ने प्रवेश किया उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। तो बूंदी जिला है और बूंदी से एकमात्र सरकार में मंत्री हैं अशोक चांदना, वो भी लगातार इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। सुबह से ही राहुल गांधी के साथ कदम ताल अशोक चांदना यहाँ पर कर रहे हैं और बूंदी हिंडोली उनका विधानसभा क्षेत्र है और एकमात्र विधायक है बूंदी जिले से, बाकी बीजेपी के विधायक है, तो इस तरह से वो भी यहाँ पर यात्रा में साथ चल रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग बैनर भी उनकी ओर से यहाँ पर लगाए गए हैं और राहुल गांधी के स्वागत में कटआउट लगाए गए हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के भी कटआउट है, कांग्रेस के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके कटआउट है। तो इस तरह से देखिए जैसे कस्बा आता है और आप देख रहे होंगे सामने बिल्कुल अलग अलग पोस्टर, राहुल गांधी की जो तस्वीरें हैं यात्रा के दौरान की, उनके पोस्टर यहाँ पर है, किस तरह से उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, अलग अलग क्षेत्रों से जब गुजरते हैं उनकी तस्वीरें सामने आती है, लाल टोपी में उनकी तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है। और देखिए घर के बाहर से ही लोग यात्रा को देखने के लिए, राहुल गांधी का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत के लिए घरों के बाहर भी लोग छतों पर चढ़ रहा है, कोई गांव से देख रहा है और सड़क पर आकर अभिवादन कर रहा है। तो
जिस क्षेत्र से गुजरती है कांग्रेस पार्टी के झंडे बैनर, ये एक संकेत है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी में एक नया जोश का संचार होगा और 2023 से पहले ये कांग्रेस पार्टी में एक संजीवनी का काम